कहां आप जीवन में छोटी सी गलती से अपना पूरा जीवन तबाह कर सकते हैं और कहां पर आप छोटी सी सावधानी से बड़े लोस से बच सकते हैं, यही आज का विषय रहेगा। 14 की साय से और 17 के मध्य में शनि और सूर्य एक ही स्थान मकर राशि में उपस्थित रहने वाले हैं, जो कि एक अग्नि तत्व दूसरा वायु तत्व ग्रह। जब दोनों मिलेंगे तो जीवन पर एक छाप आपके जरूर छोड़कर जाएंगे। ये छाप अच्छी भी हो सकती है और बुरी भी हो सकती है। सावधानी अच्छी में परिवर्तित कर सकती है और सावधानी हटी दुर्घटना घटी वो जीवन पर नकारात्मक प्रभाव आपके डाल सकती है। मेष से लेके मीन पर क्या क्या प्रभाव रहेंगे, कौन सी सावधानी आप बरतेंगे तो जीवन में आप बड़ी तबाही से बच सकते हैं, इसी विषय पर आज की हमारी ये चर्चा है। विषय पर आगे बढ़ने से पहले मैं आपका अंशुमन शर्मा आप सबका आपके अपने चैनल ज्योतिष साधना केंद्र यूट्यूब पर स्वागत करता हूं। आग्रह निवेदन, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा, कमेंट में जय गौ माता की आप अपना प्रश्न भी हमें भेज सकते हैं। जानकारी कैसी लगी है बताइएगा और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। 14 और 17 के मध्य में बड़ी दिलचस्प स्थिति बनने वाली है जब सूर्य शनि से मिलेंगे। शनि पहले से मकर में है, सूर्य 14 जनवरी को साय 8:00 पर प्रवेश करेंगे। देखिए सूर्य जो है एक अग्नि तत्व ग्रह है, शनि वायु तत्व ग्रह है, आग का और वायु का कोई मेल नहीं है। जब आग और वायु आपस में मिलती है तो तबाही बहुत ज्यादा लेकर आती है। कुछ ऐसे इलाकों में अग्निकांड भी देखने को मिल सकते हैं पर ज्यादा नहीं कुछ रहेंगे, क्योंकि ये जो मिलन है कुछ समय के लिए होगा। कुछों की सोच में वो कांड ज्यादा बड़ा हो सकता है, कुछों की सोच में वो छोटा भी रह सकता है, क्योंकि ये मिलन कम स्थिति का है। तो जब पिता और पुत्र मिलेंगे दोनों का आपस में मतभेद बड़ा जबरदस्त है, तो ये मतभेद मेष से मीन राशि पर किस प्रकार के प्रभाव डालेगा और क्या स्थितियां बनाएगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो इसका साइड इफेक्ट एक रिश्तों पर बड़ा जबरदस्त पड़ने वाला है, क्योंकि जब भी शनि सूर्य आपस में मिलते हैं तो इंसान को कम समय में अत्यधिक समझदार बना देते हैं। रिश्तों का जो एक विश्वास का स्तर होता है वो कहीं ना कहीं डाउन होने लगता है। जो इंसान दूसरों के ऊपर डिपेंड रहता है वो खुद से अपनी मंजिल को तय करने का प्रयास करता है, क्योंकि रिश्तों से उसका कहीं ना कहीं विश्वास टूटने लगता है। पिता पुत्र के रिश्तों में भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा, पति पत्नी के रिश्तों पर भी इसका बड़ा प्रभाव देखने को मिलेगा। बात करते हैं मेष राशि के, जीवन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। भाई मेष राशि वाले कहीं ना कहीं भ्रम की स्थिति में रह सकते हैं, क्योंकि जैसे ही यह मिलन होगा आप किसी स्थिति में भ्रमित रह सकते हैं। शादीशुदा जो लोग हैं वहां पर भी छोटी मोटी समस्याएं आप लोगों को देखने को मिल सकती हैं। आप जॉब में हैं, बिजनेस में हैं, बॉस के साथ या मालिक के साथ आपका कहीं ना कहीं कोई ना कोई 36 का आंकड़ा बन सकता है, बढ़ सकता है। वाणी पर संयम रखिएगा। आपकी वाणी में अगर अग्नि है तो अगर आपके बॉस की वाणी में वायु है तो दोनों जब मिलेंगी तो धमाका जबरदस्त कर सकती है। तो यहां पर आपको जो है सावधानी रखनी होगी। आपके मन में इच्छाएं बड़ी प्रबल रहेंगी, मेहनत ज्यादा करनी होगी। आपके लिए जो स्थितियां हैं भ्रम से निकलने का प्रयास कीजिएगा। भ्रम में रहेंगे तो कहीं ना कहीं जीवन दुविधा में आपका पड़ सकता है। वृषभ राशि की बात की जाए तो जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए आपको आज्ञाकारी और अनुशासन सहित रास्ता अपनाना चाहिए। आज्ञा आदेशानुसार से आपको इस महीने में कार्य करना चाहिए। इस समय पर लंबी यात्रा पर आपको जाना पड़ सकता है। भाई कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है जिससे आपको एकदम निकलने का आपका जो है प्रोग्राम बन सकता है। आपके ऊपर कोई ऑर्डर ऐसा आ सकता है कि आपको लंबी यात्रा पर जाना पड़ सकता है। यहां तक के हो सकता है कि विदेश में भी आपको जाना पड़ सकता है। पिता के साथ भाई आपके संबंध खराब हो सकते हैं। आपको यहां पर पिता के साथ बात करते समय मर्यादा का ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं स्थिति ज्यादा बिगड़ सकती है, सावधानी रखिएगा। पिता का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है। बात करते हैं मिथुन राशि की। पार्टनरशिप में जुड़े हुए कारोबार से आप लोगों को सफलता मिलने की पूरी पूरी संभावनाएं हैं।
स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां आपको परेशान जरूर करेंगी, क्योंकि देखिए इस स्थिति का नकारात्मक प्रभाव तो है ही है, वो किसी भी राशि के साथ है, कहीं ना कहीं जरूर है, छोटा बड़ा जरूर देखने को मिलेगा। कुछ लोगों को विरासत से कुछ धन लाभ की संभावनाएं भी बन सकती हैं। मिथुन राशि के जो लोग हैं इनको विरासत में मामलों से जुड़ा हुआ, यदि कोई कोर्ट कचहरी का मुकदमा कुछ ऐसा था तो इसमें आपको जीत हासिल हो सकती है और आपको इसमें अच्छा लाभ हो सकता है। ज्योतिष व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए भी समय अच्छा रहने वाला है। कर्क राशि की बात की जाए तो प्रेम संबंधों में भी परेशानियां रहेंगी। जीवन साथी के साथ आपका मनमुटाव बढ़ सकता है, तो धैर्य रखिएगा, जिह्वा पर नियंत्रण रखिएगा, रिश्ता बहुत ज्यादा आपका खराब हो सकता है, तो यहां पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। और इसी के साथ में आपके जीवन साथी का स्वास्थ्य भी खराब हो सकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है। साझेदारी का व्यवसाय, जो आप पार्टनरशिप में यदि कोई व्यवसाय करते हैं तो वो कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है और आपको व्यक्तिगत रूप से कोई जिम्मेवारी मिल सकती है और उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए आपको तैयार रहना चाहिए। सिंह राशि की बात की जाए, कैरियर में कुछ अच्छे ऑप्शन मिलने की संभावना है। इसके अतिरिक्त जिम्मेवारियों के साथ कोई अच्छी भूमिका भी मिलने की पूरी संभावनाएं हैं। स्वास्थ्य में ध्यान रखिएगा, कोई परेशानी आपको परेशान कर सकती है, लेकिन समय कम रहेगा तो इसमें ध्यान जरूर रखिएगा। रिकवरी, अगर किसी चीज की आपके पास अटकी हुई है तो वो आपकी जल्दी कवर होगी। शरीर के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, स्वास्थ्य, मेडिसिन, व्यायाम, इन चीजों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। कन्या राशि की बात की जाए, अगर आप कुछ प्राप्त करने की तलाश कर रहे तो यहां पर आपका जो प्रयास है वो समाप्त हो सकता है और आपकी आपकी मंजिल के मुताबिक आपको ठहराव मिल सकता है। शेयर बाजार में आप जाने की कोशिश मत करिएगा, बहुत बड़ा नुकसान आप झेल सकते हैं। भाई देखो, यहां पर सभी राशियों को एक चीज ध्यान रखनी पड़ेगी, इन 14 से 17 के बीच में कोई नया व्यवसाय मत शुरू कीजिएगा और धन कहीं पर भी मत लगाइएगा, वो कहीं ना कहीं आपको ज्यादा परेशान कर सकता है। इसके साथ में शेयर बाजार से आप कन्या राशि वाले बच के रहिएगा। आपके जो बच्चे हैं या परिवार में छोटे बच्चे हैं उनका स्वास्थ्य कहीं ना कहीं प्रभावित हो सकता है, वो किसी ऊपर ऊंचाई से गिर भी सकते हैं और कोई चोट भी उनको लग सकती है, तो इस समय पर विशेष कर ध्यान रखिएगा। आप प्रेम में जीवन में अच्छे चल रहे थे तो कहीं ना कहीं आप अशांति महसूस कर सकते हैं और आपको ये लग सकता है कि आपका जीवन साथी आपको इग्नोर कर रहा है, पर आप थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, स्थिति आगे आपकी ठीक हो जाएगी। तुला राशि की बात की जाए तो भावनात्मक जीवन में देखो, आप भावनाओं में बहने वाले इंसान हैं तो कहीं ना कहीं यहां पर आप असंतोष महसूस कर सकते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको ये लगेगा कि मेरे साथ जो भी हो रहा वो अच्छा नहीं हो रहा है, परंतु समय का इंतजार करना आपके लिए अच्छा रहेगा। यदि आपका कोई प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला है, उस पर आप निवेश करना चाहते हैं, बेचना चाहते हैं, तो आपको बचना होगा वरना आप बड़ा नुकसान झेल सकते हैं, बचिएगा स्थिति से। मां के स्वास्थ्य की आपको यहां पर भाई कोई चिंता परेशान कर सकती है, तो मां के स्वास्थ्य का विशेषकर आपको इन दिनों में ध्यान रखना पड़ेगा। और आपके जो जीवन में यहां पर कोई आपकी सोच से परे कोई परिवर्तन आप देख सकते हैं, तुला राशि वाले, सोच से ज्यादा बड़ा कोई परिवर्तन आपके जीवन में यहां आप देख सकते हैं। वृश्चिक राशि की बात की जाए तो आपका जो जीवन है वो यात्राओं से जुड़ा यहां पर नजर आ रहा है, तो आपको कोई यात्रा करनी पड़ सकती है, कोई दस्तावेज या कोई साइन या आप कोई बॉन्ड भरने करने वाले हैं, तो यहां पर आप सावधानी रखिएगा या उस स्थिति को कुछ समय के लिए टाल दीजिएगा, वरना आपको आपका एक साइन कहीं ना कहीं परेशान कर सकता है। छोटे भाई बहनों का स्वास्थ्य भी यहां पर खराब होने की स्थितियां नजर आ रही हैं, तो आप उनके स्वास्थ्य का भी ध्यान रखिएगा। अब बात की जाए धनु राशि की, भाई आपको जो है काफी अच्छा लाभ और काफी अच्छा सुख प्राप्त होने की संभावनाएं हैं और कुछ ऐसा धन आपको प्राप्त हो सकता है जिसकी आपने उम्मीद ना की हो। हालांकि स्वास्थ्य की आपको यहां पर देखभाल करनी होगी, तो यहां पर आपका स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है
और अनावश्यक जीवन में बहस से बचिएगा। कोई ऐसा झगड़ा जो जबरदस्ती आपके गले पड़ने का प्रयास कर रहा है तो आपको ऐसी चीज से बचने के लिए प्रयास करना चाहिए। वाद विवाद से दूर रहिएगा, वरना वो हालत हो सकती है कि मरा हुआ सांप आपके गले पड़ जाए, ना निकाल सकते ना डाल के रख सकते हैं। मकर राशि की बात की जाए तो यहां पर दोस्तों आपके सामने कुछ अजीबोगरीब स्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं। भ्रमित मत होइएगा, सावधानी के साथ आगे बढ़िएगा, मन को एक चित पर रखिएगा, शांत मन के साथ आगे बढ़िएगा। समस्या जो दिख रही है वो नहीं है, कहीं ना कहीं वो स्थिति आपको भ्रमित कर रही है। कठिनाइयों में आपको याद रखना चाहिए कि कठिनाइयां कुछ समय के लिए आती हैं पर जीवन को कठिनाई में डाल जाती हैं। आप कठिनाइयों को कम समझिएगा, अपने हौसले को, अपनी हिम्मत को ज्यादा अहमियत दीजिएगा। तो जीवन साथी के साथ भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा, छोटी बात को बड़ा मत बनने दीजिएगा। और जो ये अशांति अब आप महसूस कर रहे हैं ये लंबे समय तक नहीं चलेगी। बात की जाए कुंभ राशि की, भाई जो आप मानसिक शांति महसूस कर रहे थे वो आपकी यहां पर भंग हो सकती है और आप विदेश जाने का प्रोग्राम भी बना सकते हैं। आंखों में कुछ डल सकता है, कोई तिनका डल सकता है, आंख परेशान कर सकती है। परोपकार को खुद में शामिल कीजिएगा कि आप अच्छा करने से जाने जाते हैं, बुरा करने से नहीं जाने जाते। यहां पर कुंभ राशि वालों को सावधानी रखनी होगी। मीन राशि वालों के लिए आर्थिक लाभ, भई आपको कोई अच्छा लाभ यहां पर मिल सकता है। बड़े भाई बहनों से झगड़ा करने से आपको बचना होगा, वरना यह स्थिति लंबे समय के लिए दूरियां बना सकती है। पुराना कोई आपका मित्र शत्रु आपको यहां पर टॉर्चर कर सकता है, परेशान कर सकता है, तो उससे भी बचिएगा। बच्चे एक अच्छी परफॉर्म दे सकते हैं और अच्छा विकल्प भी चुन सकते हैं। आमदनी में वृद्धि होगी, सावधानी के साथ ड्राइविंग करनी होगी। अब बात कर लेते हैं सभी राशियों के लिए, निवेश से बचिएगा, गाड़ी चलाते समय विशेषकर सावधानी बरतिएगा, घर में कुछ ऐसा मत रखिएगा जो आग लगने का कारण बन सकता हो। गैस सिलेंडर की विशेषकर सावधानी रखिएगा, क्योंकि भाई वायु और अग्नि का मिलन है तो कहीं ना कहीं कोई बड़ी भयानक स्थिति को उत्पन्न कर सकता है। सावधानी रखना ही जीवन की सबसे बड़ी अहमियत होती है। गैस वाली गाड़ियां जो लोग चलाते हैं उनको भी बहुत ज्यादा सावधानी रखनी पड़ सकती है, क्योंकि गाड़ी में कुछ ऐसी स्थिति, कुछ ऐसी आग की स्थिति देखने को मिल सकती है जो आपकी कल्पना से परे होगी। तो 14 से 17 के बीच में ये सावधानी रखिएगा। ड्राइविंग करते समय सेफ ड्राइविंग कीजिएगा, नकारात्मक मत सोचिएगा, सकारात्मक प्रभाव के साथ आगे बढ़िएगा। बात करते हैं उपाय की, सभी राशियां ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप कीजिएगा और अधर्म से जुड़ा कोई कार्य मत कीजिएगा, किसी गरीब का मजाक मत उड़ाइएगा, जरूरतमंदों की मदद कीजिएगा और सम शनिश्चराय का सुबह शाम जाप जरूर कीजिएगा। ये स्थिति कहीं ना कहीं आपके लिए नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो सकती है। सोच जैसी रखेंगे स्थितियां वैसी ही आपके सामने क्रिएट होने वाली है। तो यहां पर पॉजिटिव स्थिति के साथ आगे बढ़िएगा। नेगेटिव स्थितियां तो दोस्तों इंसान के लिए नहीं बनी है, पर इंसान अक्सर इन्हीं स्थितियों से ज्यादा प्रभावित होता है और इन्हीं में ज्यादा घुस जाता है और वही उसकी परेशानी का कारण बनती है। आज का हमारा ये विषय यहीं पर विराम लेता है, फिर हम किसी नई जानकारी के साथ आप लोगों के समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिएगा, गौ माता की सेवा कीजिएगा, कुत्तों की सेवा कीजिएगा और जरूरतमंदों की सेवा कीजिएगा। खुश रहिएगा, जय गौ माता की, जय भारत माता।